यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसा कि सभी को ज्ञात है दोस्तों यहाँ पे कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि UTET जो होने वाली थी उसकी तिथि में थोड़ा सा संशय बना हुआ था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये तिथि जो है वो जारी कर दी गई है। और आज की एक बेहतरीन खबर ये होने वाली है, जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं या इच्छुक हैं आवेदन करने के लिए तो तुरंत आवेदन कर सकते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 एक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT के अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 29 जुलाई 2011 एवं जून 2018 के द्वारा राजकीय अशासकीय राज्य के नियंत्रणधीन ऐसे प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ठीक है पढ़ाने के लिए ये जो इस जो TET है वो दी जाती है। तो चलिए मैं आपको इसका पूरा अपडेट दिखाता हूँ। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों फरवरी 2020 तथा शासन देश संख्या दे सकते हैं, शिक्षा अनुभाग दे सकते हैं, दिनांक 12 अक्टूबर 2020 में वर्णित प्राविधानों के क्रम में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय दे सकते हैं। 12 अक्टूबर 2020 में वर्णित प्राविधानों के क्रम में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय 2020 का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय दिनांक 24 मार्च 2021 यानी कि 24 मार्च को ये परीक्षा हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं शिक्षक बनना तो इसके लिए आप आवेदन जरूर कीजिए। लंबे अरसे जो लोग तैयारी कर रहे थे इस बात की कि भाई कब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी, तो कहीं ना कहीं इंतजार समाप्त होता हुआ जरूर नज़र आ रहा है, क्योंकि UTET और कह सकते हैं कि उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आ चुकी है। और इसके लिए अगर आप आवेदन करने को इच्छुक हैं दोस्तों जरूर कीजिए। 24 मार्च इसके आवेदन की तिथि रखी गई है और 24 मार्च देखिए को प्रस्तावित यानी कि परीक्षा आपकी 24 मार्च को हो जाएगी और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है इसकी प्रारंभ जो है वो जल्द ही हो जाएगी। देखिए लिखा है इसमें दिनांक 29 जनवरी 2021 से यानी कि 29 जनवरी यानी कि हो चुकी है दोस्तों। बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि जारी कर दी गई है। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा देख सकते हैं UTET 2020 में सम्मिलित अभ्यर्थियों या इच्छुक अभ्यर्थियों के उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा परिषद को की वेबसाइट पे आप देखिए ये वेबसाइट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। इस पे आपको जाना है www.uketet.com पर जाइए। दिनांक 29 जनवरी 2021 से ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं यानी कि ऑनलाइन आवेदन आपके प्रारंभ हो चुके हैं दोस्तों। तो बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं अगर अभी तक आपने आवेदन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो जल्द किया। 18 फरवरी आवेदन की अंतिम तारीख रखी गई है। 11:30 बजे तक ये आवेदन आपका हो सकेगा ठीक है। 20 फरवरी 2021 5 बजे तक ही इसका समय दिया गया है। निर्धारित अंतिम तिथि व समय के बाद आवेदन पत्र जो है वो शुल्क किसी भी दिशा पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो देख सकते हैं बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। UTET यानी कि उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तिथि जो है वो घोषित कर दी गई है। तो बिग अपडेट है। अभी तक अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आवेदन के लिए तैयार हो जाइए। और कुछ इंपॉर्टेंट ये सूचना है इसको आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा ठीक है। वीडियो को पॉज करके जो कि यहाँ पे लिखी गई है वो आप पढ़ लीजिए और उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ तक हम बात करें शुल्क की तो आप देख सकते हैं सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग को 600 रुपये देने हैं एक परीक्षा हेतु, और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये देने हैं यहाँ पे, और दोनों परीक्षाओं को मिला के 500 और इसका देख सकते हैं आप 1000 देना है। तो प्रभु वेबसाइट पर जाकर उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम UTET फर्स्ट एंड सेकंड का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम या द्वितीय UTET या सेकंड किस में आपको भाग लेना है वो आप सुनिश्चित कर लें। तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है और यहाँ पे देखिए फीस का पूरा अपडेट दे दिया गया है। तो जो लोग भी शिक्षक बनने के लिए आवेदन करना चाहते हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं वो तुरंत इसको आवेदन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लंबे अरसे के बाद UTET कराया जा रहा है और कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद एक लंबे अरसे के बाद ये परीक्षा होने जा रही है। तो इसके लिए आप लोग आवेदन जल्द से जल्द करा लीजिए। और अगर आपका साइट नहीं चल रहा है तो कमेंट बॉक्स पे लिखें, उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसकी लिंक है वो है www.uketet.com पे जाना है और यहाँ जाके आपको ये आवेदन कर लेना है। फीस की बात है मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। SC ST OBC कैंडिडेट्स जो OBC कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी लगभग 600 रुपये देने होंगे एक पेपर के, लेकिन जो अन्य कैंडिडेट हैं जैसे आपके हो गए SC ST इनके लिए ओनली 300 रुपये देने हैं। तो आवेदन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए, आपका समाधान आपको मिलेगा। और जो भी पात्रता परीक्षा में भाग लेना चाहते थे उनके लिए एक बड़ी अपडेट है, कहीं ना कहीं विभाग ने आदेश जारी कर दिया, आवेदन शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन आवेदन है, परीक्षा ऑफलाइन होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिएगा। पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए दोस्तों। जय हिंद जय भारत।